हेलो फ्रेंड्स, जागृति वेज फूड में आपका स्वागत है और मैं हूँ जागृति भट्ट। आज हम बनाएंगे मुरमुरा का बहुत ही स्वादिष्ट चेवड़ा। यहाँ पे हमने तेल गरम करने रख दिया है। 3 बड़े चम्मच, किचन वाले चम्मच जितना तेल हमने लिया है। इसमें हम पहले फ्राइम्स तल लेंगे। तो देखो, ये फ्राइम्स हमने तल लिए, थोड़े थोड़े करके हम जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से तलेंगे। क्वांटिटी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती फ्रेंड्स। तो देखो, ये फ्राइम्स हमने तल लिए इस तरह से। अभी हम इसी पैन में तड़का लगाएंगे मुरमुरे का। तो सबसे पहले हमने हींग डाल दी, हल्दी पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी मुरमुरा जो है हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे थोड़ी से क्रिस्पी होने तक। तो देखो, ये मुरमुरे हमने अच्छे से रोस्ट कर लिए। अभी इसमें हम बेसन की सेव डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को एकदम लो रखना है फ्रेंड्स, नहीं तो मुरमुरे जो है जल जाएंगे। तो देखो, ये हमने कर लिया। अभी हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे हम। और यहाँ पे हम ने रोस्टेड सॉल्टेड पीनट और पफ चिकपी लिया है चने। और यहाँ पे हमने जो फ्राइम्स तल के तैयार किए थे वो सब डाल देंगे। और अभी हम थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से, जितना तीखा आप पसंद करते हैं फ्रेंड्स। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखो, ये अच्छे से मिक्स कर लिया। और इसे ठंडा होने के बाद कोई भी कंटेनर में भर के आप 1 हफ्ते तक आराम से खा सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बनाइए और अपने अनुभव हमारे साथ जागृति वेज फूड पर शेयर करें। बताएं कैसी लगी आपको रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।